अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ पुलाव। इससे पहले भी जो है वो मैंने बीफ पुलाव बनाया था, लेकिन वो बीफ यखनी पुलाव बनाया था, ठीक है। आज भी जो है वो बनाऊँगी बीफ पुलाव, लेकिन उसकी जो यखनी है उसमें मैंने सौंफ और साबुत धनिया जो है ऐड नहीं करना। जस्ट मैंने उसमें प्याज एक ले ली है, अदरक ले लिया है, और यहाँ पर कुछ लहसुन है, हरी मिर्चें ऐड करूँगी और थोड़ा सा नमक, ठीक है। इसकी जो है मैं अच्छी तरह जो है वो यखनी निकाल लूँगी। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दीजिए, यहाँ पे मैंने बीफ लिया है, आप मटन भी यूज़ कर सकते हैं और चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी के कुछ स्पाइसेस यहाँ पे रखे हुए हैं, तो ड्राई स्पाइसेस हैं वो मैं रेसिपी कार्ड में मेंशन कर दूँगी, और कुछ पाउडर स्पाइसेस भी हैं। तो सबसे पहले जो है चलते हैं अपनी यखनी की तरफ, और इसकी जो है मैं यखनी निकाल लेती हूँ, उसके बाद का क्या प्रोसेस है फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक पतीली ले ली है, और इसमें जो है वो मैं पानी डाल लूँगी, और पानी कम से कम 4 से 5 अगर कप जो है वो पानी इसमें आपने ऐड करना है। और अगर आप प्रेशर कुकर यूज़ कर रहे हैं तो ये 20 मिनट्स में जो है वो इंशाल्लाह बीफ आपका अच्छा टेंडर हो जाएगा। बट ये कि मैं पतीली में जो है इसमें मैंने चढ़ा दिया है, तो इसको कम से कम जो है मैं हाफ आवर के लिए जो है इसे थोड़ा सा टेंडर करूँगी, ठीक है। तो फिर जब यखनी इसकी निकल जाती है तो फिर बाकी कुकिंग जो है वो स्टार्ट करूँगी। अच्छा, यहाँ पे जो है यखनी निकल चुकी थी, और यहाँ पे जो बीफ था वो मैंने सेपरेट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्याज ले ली है, दही है, कुछ स्पाइसेस मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने रोस्ट कर लिया था साबुत धनिया और सौंफ, उसे रोस्ट करके उसे थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में कर लिया है चिली फ्लेक्स से। और यहाँ पर थोड़ा सा पुलाव मसाला कोई भी आप यूज़ कर लीजिएगा, जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, और यहाँ पे ड्राई स्पाइसेस मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें जो है मैं रेसिपी कार्ड में आपको मेंशन कर दूँगी कि इसकी क्वांटिटी मैंने कितनी ली है। यहाँ पे मिंट और ग्रीन चिलीज भी हैं, ठीक है। तो फिर ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है, और अपनी रेसिपी करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है, प्याज ब्राउन करूँगी इस समय। और प्याज को जो है मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जो ड्राई स्पाइसेस थे वो सारे इसमें ऐड कर दूंगी। और अच्छी सी एक खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो फिर इसमें मैं गोश्त शामिल करूंगी। अच्छा, यहाँ पे अदरक लहसुन का जो है वो पेस्ट ऐड कर लूंगी। तकरीबन जो है ये अदरक जो है वो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब जो बीफ हमने यखनी निकाली थी वो बीफ ऐड करूँगी इसमें। योगर्ट मैंने लिया है, योगर्ट ऐड करूँगी, और अदरक यहाँ पे ग्रीन चिलीज ऐड करूँगी, और जो मैंने पाउडर स्पाइसेस लिए थे लाओ मसाला, चिली फ्लेक्स और धनिया और सौंफ का जो मैंने रोस्ट किया था उसका पाउडर बनाया था वो ऐड करूँगी, और फ्लेम को जो है हाई रखूँगी ताकि जो भी एक्सेस वाटर है इसमें और दही का पानी है वो अच्छी तरह जो है इसमें खुश्की हो जाए और सारे मसाले जो है वो बीफ में शामिल हो जाए, ठीक है। तो बहुत अच्छी सी ये खुशबू आ रही है, क्योंकि हमने ग्रीन चिलीज इसमें ऐड की हैं, तो उसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू इसमें आ रही है। और एंड में बहुत अच्छी सी जो है कुछ टिप आपको दूँगी पुलाव या बिरयानी के लिए, जो आप इसमें ऐड करें तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, ठीक है। फिलहाल मैंने यहाँ पे इसको रख दिया है ताकि योगर्ट जो है अच्छी तरह इसमें पानी ड्राई हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने चावल ले लिए थे, बासमती राइस थे, और इसको जो है वो मैंने तकरीबन आधा घंटा जो है वो पानी में सोख करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी जो है दही का पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो फिर सारे चावल जो है इसमें मैं ऐड करूँगी। अच्छा, मैंने इसमें जो है पुलाव मसाला डाला है, ऑलरेडी नमक मौजूद होता है, और थोड़ा सा नमक हमने यखनी में भी डाला था, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा थोड़ा सा और नीड है इसको, तो मैं थोड़ा सा नमक इसमें और ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 टेबल स्पून, ठीक है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल कर लीजिएगा। और अब इसमें मैं चावल शामिल कर दूँगी, और चावलों के हिसाब से जो है वो मैंने इसमें जो है वो यखनी जो मैंने निकाल के रखी थी वो मैं ऐड कर दूँगी इसमें। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यखनी डाल दी है इसमें,
ठीक है। चावलों से जो है 1 इंच जो है वो पानी आपने ऊपर रखना है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। पानी या यखनी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं तो इसका आपने ख्याल रखना है, और आप सिज़लिंग चेक कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा जो है नमक या मिर्चें आप इसमें अभी इस वक्त ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं इसे कवर कर दूँगी 10 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे जो है काफ़ी हद तक पानी जो है वो ड्राई हो गया है। अच्छा, मैंने कहा था खुशबू के लिए, तो खुशबू के लिए यहाँ पे मैं जायफल जावित्री यूज़ कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे बहुत अच्छी सी ये खुशबू आएगी। और यहाँ पे थोड़ा सा एसेंस यूज़ कर रही हूँ मैं बिरयानी का, या पुलाव जो भी आप ले लें, और थोड़ा सा मिंट, और वन साइड पे जो है ये मैं फूड कलर ऐड करूंगी, ठीक है। ग्रीन चिलीज रख दी हैं। अब मैं इसे 10 मिनट्स के लिए जो है वो कवर कर दूंगी, दम पे रखूंगी, उसके बाद डिश आउट करूंगी। तो यहाँ पे जो है मैंने दम पे रख लिया था चावल, और यहाँ पे रेडी है, ठीक है। खिले खिले चावल बने हैं, ठीक है ना। तो थोड़ी सी स्टीम निकल जाती है, तो फिर मैं इसे डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी सी जो खुशबू आ रही है यहाँ पे, क्योंकि मैंने जो आपको बताया था, एक टिप दी थी कि जायफल जावित्री का पाउडर जो है वो आप इसमें ज़रूर शामिल करें, उससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। यहाँ पे जो है वो मैंने डिश आउट कर दी है। अच्छा, फूड कलर जो है वो मैंने वन साइड रखा था, तो मुझे कुछ इस तरह अच्छा लगा कि मैं थोड़े से जो है ऑरेंज जो चावल थे जो कलर किए थे मैंने, सो मैंने इसके ऊपर जो है वो इस तरह डेकोरेट कर दिया, ठीक है। तो आज की रेसिपी कैसी लगी, उम्मीद है पसंद आई होगी। प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अच्छी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।